बालोद जिले के दल्ली राजहरा और महामाया माइंस क्षेत्र में लाल पानी से प्रभावित किसानों का आमरण पिछले 13 दिनों से चालू है। माइंस प्रबंधन और बीएसपी ने प्रभावित किसानों के पक्ष में कोई पहल नहीं की, जिसकी वजह से किसान खासे उग्र आंदोलन की तैयारी में हैं। दल्ली राजहरा और महामाया माइंस से लगे ग्रामीणों के साथ आदिवासी कई सालों से लाल पानी की समस्या से परेशान हैं। जनवरी 2014 में बैठक हुआ था कलेक्टर ऑफिस में, उन्होंने आदेशित किया था कि एक पैरामीटर में मार्च में ले लिया जाएगा, दूसरा मई में ले लिया जाएगा, लेकिन इनके अड़ियल रवैये से, मैनेजमेंट के अड़ियल रवैये से ये 2021 तक इसको स्थगित कर दिया गया। तो हम लोग इसको अमान्य मान रहे हैं और इसको बहुत जल्दी इसको लेने के लिए हम लोग प्रेशर बना रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। अभी बैठक हमारे मंत्री से मिलना हुआ था, लेकिन वो बात करूंगा बोला था, अभी तक का हमको उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो वास्तविकता उन लोग मालूम होते हुए भी वो ये कदम नहीं उठा रहे हैं कि भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनको जल्दी उठाया जाए। और अभी भी उनका प्रयास रहता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि यहाँ पर मैनेजमेंट इनके बात को क्यों नहीं मान रहा है। संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस वर्ष में बीएसपी के द्वारा जो है लाल पानी प्रभावित सभी लोगों को रोजगार में रख लिया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि शीघ्र ही यह अनशन खत्म हो जाएगा और इसमें आगामी जो है हम लोग फिर से 2 से 3 दिन में